रहीम सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, शाद आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। तो इसी दुआ के साथ करती हूँ आज की वीडियो शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले सब बहन भाइयों से हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट होती है कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो की तरफ और आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज ही शाम का टाइम है तो अभी कुछ बनाना है, लेकिन सब्जी वाला भाई नहीं आया तो मैंने चने पको के रखे हुए हैं। कुछ समीर को भी पसंद है। मामा जी हमने कभी अपने चनों का सालन नहीं बनाया तो उसका तबीयत ख़राब होने की वजह से जिस तरह मुंह का जायका चेंज हो जाता है उसे कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही। तो अभी मैंने चने सुबह के सफ़ेद चने हमारे पास नहीं थे लेकिन ब्लैक ही थे, वो मैंने भुगो के रखे हुए हैं। तो अभी जो भी अगला सीन बनता अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करती हूँ। चलती हूँ किचन में और अपना काम स्टार्ट करती हूँ। तो बच्चों को होमवर्क भी करवाना है, मगरब की अजान भी होने वाली है तो नमाज भी पढ़नी है, सारे काम जल्दी जल्दी फटाफट करती हूँ। तो चलते हैं जी किचन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी किचन में मैं आ चुकी हूँ। लाइट मोबाइल की भी ऑन कर लेती हूँ। ये कुकर मैंने रखा हुआ है, अभी इसका ढक्कन उतारते हैं। ठो के रखा हुआ है ये साथ में लहसुन सब्ज मिर्च और सॉरी टमाटर नहीं है, धनिया भी काट के रखा हुआ है सब करता है। ये मैंने चने भिगो के रखे हुए हैं माशाल्लाह जी। तो अभी फटोफट बनाती हूँ क्योंकि कहते हैं कि चने सेहत के लिए, ब्लैक चने काफ़ी बीमारियों का इलाज भी होते हैं, काफ़ी ठीक होते हैं। जो पहले मैंने ये सारी चीज़ें डाल के ना इनको अच्छी तरह नरम कर लेती हूँ। तो कुछ फिर समीर ने मसाले वाले भी खाने होते हैं वो भी निकालने हैं तो ये इसी तरह बना लेती हूँ। तो अभी डालती हूँ जी चने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चने जी मैंने डाल दिए, अभी कुकर बंद करती हूँ और चूल्हा ऑन करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी कुकर में हर चीज़ डाल के मैंने बंद कर दिया है। अभी इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट ऊपर रखूँगी फिर इसके बाद चने चेक करूँगी। पानी चनों में थोड़ा सा है लेकिन खुश कर लेती हूँ। उतनी देर मैं मसाले ऐड करती हूँ, बच्चे गए हैं स्कूल, उनसे आने से पहले कुछ उनके लिए तैयार करके रखती हूँ। उनके सुबह बेटा कहता है मैं भी भूख लग जाती है तो मैंने कहा उनके आने से पहले जो सालन वगैरह मैं तैयार करके रख लेती हूँ। तो चने नरम हो चुके हैं अच्छी तरह, तकरीबन 20 से 25 मिनट आज चने नरम करते हुए लगे हैं। मसाले ऐड कर दिए, साथ साथ पानी खुश पौधे होते मसालों की भी बनाई हो जाएगी। उन्हें तिरछी डाल के सारी वो बनाई कर दूँगी फटोफट, जल्दी जल्दी ये काम कर लेती हूँ। अब ये मामा बेटे की और भी काफ़ी सारी डिमांडें वो भी पूरी करनी है, वो भी करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी खुशक हो चुका है, अभी घी डाल के मैं चनों की बुनाई करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि ब्लैक चने ही मेरे पास थे, सफ़ेद नहीं थे, तो बच्चों की डिमांड थी मामा जी हमें शोरबे वाले चने बना के दे, मसाले वाले। समीर बेटे ने मसाले वाले खाने होते हैं, दूसरों ने कबीर ने शोरबे वाले खाने होते हैं, ज़्यादा ज़्यादा बच्चों की पसंद होती है। तो अभी घी डाल लिया मैंने, अच्छी तरह इसकी बुनाई करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी चनों की बुनाई हो चुकी है। अभी मैंने कुछ ये एक प्लेट ली है बच्चों के लिए मसाले वाले चने निकालने हैं, वो निकालती हूँ। बाकी मैं पानी डाल लेती हूँ, शोरबा बना लेती हूँ, फिर जिस तरह के बच्चों ने खाने हुए खा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी कुकर में जब सालन बनाते हैं ना तो काफ़ी मज़े का बनता है और चने काफ़ी नरम हो जाते हैं, काफ़ी मज़े। जे जी मसाले वाले चने मैंने निकाल लिए बच्चों के लिए जितनी, अभी इसमें पानी डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो पानी मुझे जितनी ज़रूरत है मैंने भिगा हुआ बर्तन अभी ऐड करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अच्छी तरह इसे पकाते हैं, पकने के लिए छोड़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी ये चने का ब्लैक चने का सालन तैयार हो चुका है।
तो अभी ये सब धनिया भी मैंने डाल दिया, सूखा भी, और मसाला वगैरह भी, ज़ीरा भी ऐड कर दिया। अभी पानी भी पक चुका है, अभी इसको कवर करती हूँ, तो आटा गूंथती हूँ, फिर बैठ के रोटियाँ बना के फिर खाएंगे। काफ़ी मज़े की खुशबू आ रही है, काफ़ी मज़ेदार बन चुका है ये। कबीर बड़ा खुश हो जाएगा शोरबे वाला सालन देख के, क्योंकि दांत बच्चों के ख़राब हो चुके हैं समीर और कबीर के, तो इसलिए वो शोरबे वाला सालन ढूंढते रहते हैं। तो अभी जो सालन तैयार हो चुका है, ऊपर से कवर करती हूँ और चूल्हा बंद करती हूँ, तो आटा गूंद लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आटा गूंद के भी मैंने इधर रख लिया है, तो अभी बच्चे आते हैं फिर खाना बनाते हैं, बैठ के खाएंगे। तो अभी मैंने और काम करने वो करती हूँ। अभी जी कल भी मशीन लगाई हुई थी, आज जो बच्चे उतार के गए हैं, जे भी कपड़े धोने वाले हैं, और जे कपड़ा शुरा भी धोने वाला ये धोती हूँ। ये सारा गंदा हुआ है क्योंकि सफ़ेद इंडे हैं, सारी गंदी पड़ी हैं। अभी नमाज़ पढ़ने से पहले जे धो लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, कपड़े मैंने धो गए, ये भी तार पे डाल दिए, कपड़े वगैरह भी धो दिए। अभी चलती हूँ नीचे, जाके गेट पर कुछ कोई आया है वो देखती हूँ कौन आया है। रमन रहीम जी, सालन भी डाल लिया मैंने प्लेटों में, और रोटी भी रख ली है, पक चुकी है रोटी भी, बच्चों के लिए दूध भी गर्म कर लिया, और बाकी चीज़ें इधर पड़ी हैं, तो अभी बच्चों को बुलाती हैं क्या रोटी खा लिया आके।